यहाँ के वार्ड मुखिया चाहे यहाँ के विधायक ऐसा तो गुस्सा भरा के मारवो करते उनको झाड़ू से झाड़ूआते। बिहार में बाढ़ है जी हाँ, सही सुना आपने, बाहर नहीं बाढ़ ही बोला है। बिहार में बाढ़ है, आज से नहीं बल्कि हफ्तों से है, महीने भर से है, लेकिन है तो है, किसे फर्क पड़ता है। जनता डूब जाए मर जाए उसकी पूछता कौन है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसों पुराने बेजान तटबंधों में खोखलापन दिखा और वो नदियों के बढ़े हुए जलस्तर को रोक ना सके। उत्तर बिहार का लगभग हिस्सा डूब चुका है। हमारी टीम आज बिहार के वैशाली जिले के लालगंज अंबारा मुख्य सड़क से सटे हुसैनपुर सलेमपुर फुलार और दुमदुमा आदि गांवों से गुजर रही थी कि बाढ़ के कुछ दबे हुए मंजर आंखों के सामने से गुजरे। लाचार और बेहाल जनता को जब मीडिया का माइक दिखा तो उन्होंने अपनी विपदा दिखाने का आग्रह किया। यकीन मानिए, अगर आप में मानवीयता है तो बाढ़ के इस पानी में भी आप उनके आंखों के निकलने वाले आंसुओं को पहचान लेंगे, जिसकी भनक यहाँ के BDO CEO और खुद को सरकारी अधिकारी और जनता का सेवक कहने वाले बाबुओं को अब तक नहीं लगी है। इस बूढ़ी अम्मा को सुनिए, पानी में डूबा हुआ घर नहीं बल्कि आंखों में डूबती हुई उम्मीद दिखाई देगी। यहाँ के वार्ड मुखिया चाहे यहाँ के विधायक चाहे BDO CEO ये सब कुछ मत दादा अपने करना कहला बेटो ना कहला डीलर कन जाले तो कहले बिल कह से दूंगा कल बंद करवा। कथि नाम है डीलर के, नाम मालूम है? ये मुख्य सड़क है जो प्रमुख लोगों की नजरअंदाजगी से दरियाओं में बदल चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और लोग अपने परिवार और मवेशियों के साथ सड़क पर जीने को मजबूर हैं। ये स्कूल है जो शायद क्वारंटाइन सेंटर भी हो रहा होगा, लेकिन डूबती हुई जिंदगी में कोरोना पनपकर भी क्या कर लेगा। बेशक आप लोगों के चेहरे पर मास्क ढूंढ रहे होंगे जिनके पेट में हफ्तों से अन्न का दाना भी सही से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जरा जमीन पर उन मूलभूत सुविधाओं को ढूंढिए जिसके वादे हेलीकॉप्टर से उड़ने वाली सरकारें और स्कॉर्पियो में दौड़ने वाली विधायकों की गाड़ियां करती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि या फिर कोई अधिकारी BDO से CEO से कोई आदमी नहीं है, या फिर विधायक से पूछो ना, कहीं से कुछ नहीं मिला है। आप लोग क्या खा रहे हैं? अपन गांव घर में है जे है से किंक बेसा के खाई थे। आप लोग का क्या काम क्या है, मजदूरी करते हैं या फिर? मजदूरी करते हैं हम लोग, रविदास। अभी तो मजदूरी बंद होगा, पूरा 5 महीना से बंद है। गरीब सब कैसे भूख मर के है, कहीं से कुछ राहत नहीं मिला है। पूछो ना, से जो विस्थापित हुए लोग हैं आप लोग, इसमें अभी तक जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई सहायता वगैरह किसी तरह की कुछ मदद नहीं मिला? अभी तक ले आए भी नहीं है, कुछ नहीं है, ना यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि देखा है, ना यहाँ का कोई सरकार देखा है। मुखिया को भी तो आना चाहिए, वो लोग भी आप लोग के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए? यदि भी नहीं है, नहीं है, कोई ना मुखिया का, यहाँ का प्रेजेंट मुखिया डेट कर गए हैं, उप मुखिया अभी है तो कारगर नहीं है। अभी तो रस्ते में से भाग गए, राहत सामग्री भी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे बिहार के वैशाली जिला वैशाली प्रखंड के सलेमपुर गांव में वार्ड नंबर 2 में। आपको पीछे का नजारा दिख रहा होगा, यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी है। ये घर डूबे हुए हैं, हफ्तों से डूबे हुए हैं, अभी तक कोई भी प्रशासकीय अधिकारी कोई भी स्थानीय नेता इनकी सुध लेने नहीं आया है। हम लोग जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने हमें बुलाया, अपनी विपदा बताई, तब हम लोगों के आंखों में आंसू आ गए, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन आज तक जो 6 महीने बाद आपको वोट दे मांगते हुए नजर आ जाएंगे यहाँ के स्थानीय नेता, वो अभी तक इनका हाल पूछने तक नहीं आए हैं। लोगों के घर डूबे हुए हैं, मवेशी सड़क पे हैं, लोग सड़क पे जीने को मजबूर है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर से देखने वाले नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि जिनके लिए वो आज से 6 महीने बाद वोट मांगने वाले हैं उनके सामने ये किस मुंह से आएंगे। फिलहाल आप ये देखिए, इनकी विपदा समझिए और शायद अगर महसूस कर सकते तो कीजिए। प्रकाशवाणी से प्रकाश चंद्रा। लोगों में गुस्सा है, जो नेता एक मास्क हाथ में थमाकर 5 एंगल से फोटो निकाला करते थे, उन्होंने महीने भर से इनकी सुध भी नहीं ली है। दफ्तर में बैठे सरकारी अधिकारियों से जब हमने पूछा कि लोगों को राहत कब तक मिलेगा, तो उन्होंने कागज दिखाने का काम किया।
हमारा कैमरा जमीन की हकीकत भी देखकर आया है और आला अधिकारियों की बातें भी सुनकर आया है। दोनों आपके सामने हैं, सुनिए कि जनता क्या कह रही है और सुनिए कि पदाधिकारी बाबू क्या बता रहे हैं। क्या स्थिति, आप लोगों को अभी तक कोई सरकारी मदद मिला है कि नहीं? नहीं मिला। और क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है कि देख रहे हैं कि दहा गया पूरा, खाने पीने का दिक्कत है। कोई नहीं खोजने आया है ना देखने आया है। अभी तक देखने तक कोई नहीं, वीडियो सीओ कोई नहीं आया है देखने के लिए। मुखिया मुखिया कोई नहीं। वैशाली प्रखंड वैशाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक है राजकिशोर सिंह, वो यहाँ देखने नहीं आए? नहीं आया है। अच्छा, आज तक ले उनको देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे नहीं, क्या तो देखे ना क्या। मान लिया कि आपके सामने आके अगर खड़ा हो जाए विधायक राजकिशोर सिंह, क्या आप लोग पहचान पाएंगे? पहचान पाएंगे, आएंगे खड़ा होकर देखेंगे तब ना, तो ऐसा तो गुस्सा भरा कि मारवो करते उनको, झाड़ू से झाड़ूआते। अभी हम मौजूद हैं वैशाली जिले के हुसैनपुर गांव में। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है, भीड़ देखिए और उसके बाद उनके घुटनों तक का पानी देखिए। बांध टूट गया है इस बार और जो भयावह स्थिति बनी है, बगल में एक स्कूल है, कईयों के घर डूबे हुए हैं और किसी को इस बात की परवाह नहीं है। विधायक, स्थानीय नेता, प्रशासन से लेकर कोई भी हो जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जनता का आंसू पोछेंगे, पानी पोछने तक कोई नहीं आया है। आपको जो स्थिति दिखा रहे हैं कि लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, खाने को रोटी नहीं है, राशन नहीं मिला है किसी को कुछ, किसी की सबकी अपनी भी समस्याएं हैं। और जो लोग दिक्कतें बता रहे हैं कि बांध टूट गया है, स्थिति और भी भयावह हो सकती है, पिछले एक डेढ़ हफ्ता से ये हालत है और कोई भी इनको पूछने तक नहीं आया है कि अब क्या करना है। हमारे माध्यम से लोग प्रशासन को या शासन को यही कहना चाहते हैं कि कोई तो हो जो इनकी सुध ले, ताकि जब चुनाव हो तो किस मुंह से और किसी जवाब के साथ इनके सामने आ सके और वोट मांग सके। सरकार इतनी सुने ताकि इनका दुख दूर हो। चुनाव सर पे है, उम्मीद है कि इस पानी ने जो आग लगाई है वो लपटे सरकार और प्रशासन की लचर व्यवस्था पर अपना असर जरूर छोड़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाशवाणी। तो इस अवस्था में क्या तैयारी चल रही है? अवस्था में सबसे पहले जो बांध का क्षेत्र है जहाँ से जल रिसाव की शिकायत आ रही थी, वहाँ पे विभाग के इंजीनियर निरंतर कार्य कर रहे हैं और रिसाव रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और जिन क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति है, तो वहाँ पे हमारे अंचल और प्रखंड स्तर के कर्मचारी जो हैं जाके क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं, स्थिति का मुआयना कर रहे हैं कि स्थिति अभी नियंत्रण में है और जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। कुछ पंचायतों का भी हमारी टीम ने भ्रमण किया है जहां बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं सर, उन्हें न तंबू नसीब हो रहा है न दो वक्त की रोटी। क्या प्रखंड स्तर से कोई व्यवस्था इसकी है? उसके लिए अभी हमारे कर्मचारी लोग सर्वेक्षण में कार्य कर रहे हैं, देखा जाता है कि कहां भी कितने लोग प्रभावित हैं, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई तय की जाए। जी, एक और सर आखिरी सवाल कि सलेमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में अधिकृत महिला से बातचीत हुई थी, नाम है दुखनी देवी, जो लगभग 80 वर्षीय महिला हैं और परिवार में भरण पोषण करने वाला उनका कोई नहीं है। डीलर ने भी हाथ उठा लिया, उनको राशन नहीं दे रहा सर, इस विषय में क्या बताना चाहिए? इस विषय में आपके माध्यम से भी संज्ञान में आया है, मैं इसकी जाँच करवाता हूँ, देखता हूँ कि स्थिति क्या है। नियमानुसार जो सहायता राशि है या जो सहायता है जी उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, प्रकाश वाणी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर ये खबर आपके मतलब की है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।